तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी किसानों के प्रति पहले से कहीं ज्यादा सजग दिख रहे हैं। सबसे पहले तीसरे कार्यकाल में उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है उसको जारी करने के लिए फाइल पे सिग्नेचर किया। बनारस जब गए तो उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मेलन को संबोधित किया, बड़ी तादाद में किसानों से उन्होंने संवाद किया। इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार किसानों की आय को लेकर चिंतित है, किसानों की आय कैसे बढ़े इसको लेकर सरकार की तरफ से कई योजनाएं शुरू की गई हैं, उसे जमीन स्तर पर लागू करने की कोशिश भी है, लेकिन इन सब में कृषि विज्ञान केंद्रों की क्या भूमिका है, आखिर कैसे किसान वाकई में किसानों की आय दोगुनी होगी और किस तरीके से किसानों की स्थिति पहले के मुकाबले बदलेगी, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर यूएस गौतम हैं। ये ICR के BDG एक्सटेंशन है, इनके पास देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों का प्रभार है, देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों को संचालित करने की जिम्मेदारी डॉक्टर साहब के पास है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉन्जंक्शन में। नमस्कार। सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल होगा कि कृषि विज्ञान केंद्र आज की स्थिति में किस तरीके से किसानों को लेकर आगे बढ़ रही है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, हम इस साल 50वीं सालगिरह कृषि विज्ञान केंद्र का मना रहे हैं। हमारा जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वह 1974 में मार्च में खुला था और अभी हम लोग जो है 2024 में उसके 50 साल पूरे किए हैं और पांडिचेरी में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र खुला वहाँ हम लोग जा कर के जो है काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किए किसानों के साथ। कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये किसानों का ऐसा ज्ञान केंद्र है जहाँ पर किसान आता है, उसको प्रशिक्षण दी जाती है। देखिए, हम कहते हैं किसान देखकर विश्वास करता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ प्रदर्शन लगाते हैं कि आए और देखे कि हम ये कहते हैं भाई यह किस्म अच्छी है तो उसको देखेगा कि देख करके उसको लगे कि नहीं भाई यह किस्म अच्छी है तो उसको करते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि गांव में भी आजकल आप देख रहे हैं ना कि बड़ा क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है, अलग कहीं पर ऊंची जमीन होती है, कहीं पर नीची जमीन होती है, कहीं पर जो है बगीचे ज़्यादा होते हैं, कहीं पर खेत में जो है धान और गेहूँ, इन सबको देखते हुए कौन सी तकनीकी चाहिए किसानों को उसके बारे में असेस करता है कि आपके यहाँ अगर पानी कम है तो आपको कौन सी फसल चाहिए जो है, आपको कौन सी फसल ज़्यादा आपको इनकम करेगी। तो इस तरह से जो तकनीकियों का असेसमेंट मूल्यांकन पहला काम, दूसरा किसानों के खेत पर प्रदर्शन लगा करके उनको कन्विंस करना कि टेक्नोलॉजी सही में अच्छी है जो है, तीसरा कैसे करेंगे उसके लिए उनकी जो है तकनीकी ज्ञान देना, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको ट्रेनिंग देना, वो काम करती है। चौथा जो प्रमुख कार्य है कि आप जानते हैं कि किसानों को बीज की जरूरत पड़ती है। हम कहते हैं कि फसल पौध लगाए और पता चला 3 साल के बाद जो आम लगा रहा वो आम ही नहीं निकला, अच्छे पौधों की जरूरत होती है। तो इसके लिए जो है जो हमारे पास 20 हेक्टेयर जमीन होता है कृषि विज्ञान केंद्र पर, तो हम लोग बीज उत्पादन करके किसानों को देते हैं और प्लांटिंग मटेरियल पौध को पैदा करते हैं और किसानों को कम से कम पैसे भी देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनको समय पर और सही चीज मिल जाए, वो हम इंश्योर करते हैं। चौथा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसानों को अगर समय से जानकारी मिल जाए और समय से सूचना मिल जाए तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। अगर उनको पता चले कि आज बारिश होनी है, आप अपने खेत में पानी मत लगाइए, तो नहीं लगाएगा, तो उसका एक बारिश बच सकता है। ऐसे ही होता है कि भाई बीमारी आने वाली है, आप दवा लेकर के रखे, जैसे बीमारी आए तब आप इस पर करें, नहीं तो बीमारी आ जाती है उसके बाद हम दौड़ते हैं तो चला अगर बाजार में मिल गया तो ठीक, नहीं अगर 2-3 दिन का डिले हुआ तो उसे बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र पर दिया जाता है जो है। आपने बताया कि 50 साल पहले EKV की स्थापना हुई थी, आज की डेट में देश भर में कितने KVK हैं और सबसे ज़्यादा KVK अगर हम बात करें तो किस राज्य में है? और ठीक है, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। अभी पूरे देश में हमारे पास 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और जो सबसे ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो उत्तर प्रदेश में है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ जो बड़े ज़िले हैं वहाँ पर 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में है और 731 टोटल हमारे पास है। हमारा जो 731 कृषि विज्ञान केंद्र है इसको हम क्षेत्रीय जोनल हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं 11, तो 11 जो हमारा जोनल हेडक्वार्टर है उसमें अलग अलग क्लाइमेट के अनुसार
कहीं पर प्लेन है, कहीं पर कोस्टल है, कहीं पर जो है पहाड़ी है, तो उनको मिला करके हम लोग बनाया। और हमारे 11 डायरेक्टर अटारी होते हैं जो कि इसको संचालित करते हैं। जो है यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हेडक्वार्टर में हमारे जो सेक्रेटरी डेयर डीजी आईसीआर डॉक्टर पाठक साहब हैं, उनके अंडर में हम लोग 8 डीडीजी काम करते हैं, अलग अलग डीडीजी का अलग। जैसे मेरा काम है कृषि विज्ञान केंद्र को देखना, हमारे नीचे 11 अटारी है और 11 अटारी के नीचे 731 कृषि विज्ञान केंद्र है। तो यह इसका एक पैटर्न है कि कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे काम करती है। 140 करोड़ की आबादी है अपने देश की और ज़्यादातर जो है वीवी कृषि पर आधारित है, कृषि रोजगार भी ज़्यादा है, लेकिन 731 कहीं कम नहीं सर? बहुत सारे जिलों में तो 20-20 25-25 लाख इससे भी ज़्यादा लोगों की आबादी है, तो ये 731 आंकड़ा कम नहीं? क्या इसको आगे कुछ कोशिश है कि स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे जोड़कर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, ऐसा कुछ प्रोसेस में है क्या? नहीं, अभी जो नया जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग एक नए तरीके का प्लान हमारे जो सेक्रेटरी डेयर डीजी आईसीआर पाठक साहब हैं वो बना रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना अपना मत दे करके उसको तैयार करें कि केवीके जो है वो बिजनेस मॉडल लिख देगा। आप छोटे किसान हैं तो आपका छोटा बिजनेस मॉडल होगा, बड़े किसान हैं बड़े बिजनेस मॉडल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमारा आपको हम बताएंगे कि आप जो इंडिविजुअली अगर आप काम करते हैं, आपने देखा है ना कि अगर एक किसान एक एकड़ में पैदा करता है तो कोई खरीदने वाला नहीं है, लेकिन अगर वहीं 25 किसान मिलकर के 50 एकड़ में पैदा कर देंगे तो तुरंत बिक जाएगा। तो क्लस्टर मोड में हम उनको एडवाइज करते हैं कि पूरा एरिया को क्लस्टर बांध करके क्लस्टर में पैदा करेंगे तो आपका ज़्यादा पैदावार होगा। जो है दो तीसरा, किसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि पैदा करके बेच देते थे, जो है हम उसको रोक रहे हैं कि नहीं आप बेचना नहीं है, उसको प्रोसेस करिए, उसको ग्रेडिंग करिए और फिर उसको मार्केट में लेके जाइए। देखिए पैदा करने के बाद जो अब गेहूं का 20 रुपये दाम है, बाजार में आप आएंगे तो 35-40 रुपये आपको आटा मिलेगा। जो दलिया अलग बनता है, चोकर अलग बनता है, इस सब का पैसा मिलता है, लेकिन किसान को कितना मिलता है? जो 22-23 रुपये दाम है वही मिलता है। तो अगर किसान उसको बाई प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे, प्रोसेसिंग करना शुरू कर दे, ग्रेडिंग करना शुरू कर दे, तो निश्चित तौर पर वो पैसा किसानों के पास आएगा। तो किसान को जो है किसान से इंटरप्रेन्योर्स में बदलना पड़ेगा, मतलब कि किसानों से उद्यमिता की तरफ आना होगा। अगर उद्यमिता करता है, जो है मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे किसान उद्यमी बने, एक किसान प्रोडक्शन में आ जाए, एक किसान प्रोसेसिंग में आ जाए, एक ग्रुप जो है मार्केटिंग में। इसीलिए भारत सरकार ने जो है आपने देखा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप और फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियाँ और ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। इसमें 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियाँ काम कर रही हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हम जो भी फायदा सरकार चाहते जो फायदा किसानों को मिले। महिलाएं हमारे 49% पॉपुलेशन महिलाओं का है, हम महिलाओं को कैसे खेती में उनको ट्रेनिंग दें और कैसे उनको यूज करें, उससे उनका इनकम बढ़ेगा। अभी 3,000 आपने देखा ना कि ड्रोन दीदी की बात, 15,000 ड्रोन दीदी की बात कर रहे हैं, पहले साल 5,000 हम लोग दे रहे हैं। आपने देखा कि अभी जो कृषि सखी जो बनाया गया है कि पूरे देश में 34,000 कृषि सखी जो है कैसे कंधे से कंधे मिलाकर कृषि की तरफ काम कर रही हैं, और निश्चित तौर पर ये मानते हैं कि भारत सरकार की जो सोच है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो सोच है, हमारे माननीय कृषि मंत्री की जो सोच है, इन सारी की सोचों में यही है कि हमारे यूथ और हमारी महिलाएं और हमारे किसान का इनकम जो है डबल की नहीं बात कर रहे हम, ट्रिपल की बात कर रहे हैं। करोड़पति बन जाएगा तो बहुत बढ़ जाएगा। जो है मतलब वह एक ऐसा रहे कि हमारा जो किसान रहे उसको लोग सम्मान दें, उसको लोग एक रिकग्निशन दे कि यह समाज में इसका बहुत बड़ा प्रतिष्ठा है। जो है ये सब कंप्लीट हो जाएगा तब हम सोचेंगे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का मिशन पूरा हो गया है। किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम मिले तो इसके लिए क्या कृषि विज्ञान केंद्र के स्तर पे भी कुछ काम हो रहा है क्या? कि एक चीज और इसमें मैं ऐड इसलिए करूंगा कि जो सवाल खड़े होते हैं, कई बार कोई फसल होती है उसकी पैदावार अधिक हो जाती है जो डिमांड से कहीं ज्यादा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में किसानों को उनकी उपज जो है फेंकना पड़ता है या बर्बाद हो जाती है वो, तो कृषि विज्ञान केंद्र के स्तर पे क्या किसानों को ऐसा बताया जाता है कि भाई इस बार आप ये फसल करो तो ज्यादा बेहतर है, इस फसल के पीछे मत पड़ो नहीं तो ये बर्बाद होगा, ऐसा कुछ बताया जाता है क्या? देखिए कृषि विज्ञान केंद्र में जो है ना हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि जैसे जनरली हम देखते हैं कि किसी साल प्याज की कमी होगी तो अगले साल प्याज बहुत लग जाएगा,
टमाटर कभी हम ही नहीं कहते हैं, इवन हम ये कहते हैं कि धान लगा रहे तो एक ही किस्म मत लगा पूरे खेत में, हो सकता है कोई बीमारी आ जाए। अगर दो तीन किस्म लगाओगे तो किसी एक में बीमारी आएगी तो तीन बच जाएगा। तो हम लोग जो किसानों को बताते हैं कि आप अपने जो खेत है उसको थोड़ा सा प्लानिंग करें कि कुछ एरिया में जो है तालाब भी बना दें, कुछ एरिया में पेड़ भी लगा दें कि आपको मौसमी फल भी मिले और पैसा भी मिले, जो है उसके बंड पर तालाब के बंड पर जो है वो सब्जी भी लगा दें, एक छोटा सा पाली हाउस बना दें जिसमें नर्सरी तैयार करें, मशरूम प्रोडक्शन, मतलब मल्टी लेयर की हम बात करते हैं कि आपका इनकम जो है उसको हर तरह से आए, मछली से भी आ जाए, मशरूम से भी आ जाए, मुर्गी पालन से भी आ जाए, और धान गेहूं और जो आपका वृक्ष है उससे भी आए। तो अगर ऐसा किसान करेगा वही किसान स्वावलंबी होगा जो है। डॉक्टर साहब, भविष्य की क्या योजनाएं हैं जिसके माध्यम से किसानों की स्थिति में बदलाव लाने के लिए आप लोग कोशिश करेंगे? देखिए, भविष्य का जो प्लान हमारा है वह है कि जिला लेवल पर जो KVK है, अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो KVK है वो एग्रीकल्चर के मामले में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो गांव लेवल पर हैं चाहे ब्लॉक लेवल पर हैं, वो उसके साथ जुड़े, कृषि सखी भी उसके साथ जुड़े, ड्रोन दीदी भी उसके साथ जुड़े, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी उसके साथ जुड़े, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी उसके साथ जुड़े, ताकि हम कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लान कर सके कि हमारा जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो कितना बीज उत्पादन कर रहा है। अगर मुझे पता चल गया कि भाई इतना बीज उत्पादन कर रहा है और कितनी खपत आपके जिला में है, तो बाकी को हम आगे भेजने का काम कर देंगे, जो कि भाई ये हमारा बाहर जाएगा। इसी तरह से उत्पादन का कि हमारे जिला में कितना खर्चा हो सकता है सब्जी, जो है जो बाकी बचेगा पता चल जाएगा हमें कि भाई इतने क्विंटल्स टमाटर बच रहा है, तो या तो हम उसको बाहर भेजने का प्लान करेंगे या तो उसको प्रोसेसिंग करेंगे जो है। तो भविष्य में आपको जो कृषि का जो है एक तरह से जो है वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और ग्रुप अप्रोच पर हम लोग का जोर रहेगा कि KVK डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक अथॉरिटी की तरह काम करे और जितने भी अधिकारी की एग्रीकल्चर में हैं सब KVK के साथ बैठ करके पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो है वो हमारा जो समस्याएं हैं और हमारा जो किसान है वह एक दिन देश का बहुत बड़ा उज्ज्वल भविष्य होगा। कहना चाह रहे हैं कि कृषि सेक्टर से जुड़े जितने भी सेगमेंट्स हैं सब एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे और सब आपस में मिलके एक दूसरे को सहयोग भी करेंगे और ये भी होगा मिलके काम करेंगे, कौन किस चीज का उत्पादन कर रहा है, उसकी खपत कितनी है उस जिले में, अब बाकी जो बचत होगा वो उसको फिर एक्सपोर्ट करने के ऊपर एक्सपोर्ट करेंगे या हम उसको प्रोसेस करेंगे। बिना अभी क्या हो रहा है कि हम पैदा कर दे रहे पता नहीं हमारे पास, तो जब हमें पता हो गया भाई मेरे पास 100 क्विंटल पैदा होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो यूज है 5 क्विंटल है, तो 95 क्विंटल की प्लानिंग हम पहले ही कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि कभी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, हम हर चीज बड़ा स्मूथ चलेगा। और इसी प्लानिंग की बात हम लोग कर रहे हैं हमारे जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कृषि विभाग है भारत सरकार का और हमारा जो ICR है, DR है, ये सब मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और ये पूरी प्लानिंग है कि हमारा जो एक किसान हो वो एक सक्षम किसान हो, हमारा जो किसान हो वह समाज को एक दिशा दे, हमारा जो किसान हो उसको लोग देख करके एक उससे सीखे कि भाई नहीं हमें भी किसान होना है, हमें भी करोड़पति किसान बनना है, हमें भी लखपति दीदी बनना है। हमारे जो यूथ हैं वह बाहर न जा करके गांव में एग्रीकल्चर से संबंधित अपना बिजनेस शुरू करे ताकि 10 आदमी को रोजगार दें वो और एक अच्छा माहौल गांव का बने, और गांव अगर हमारा खुशहाल होगा तो देश भी हमारा खुशहाल होगा। तो डॉक्टर गौतम ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि देश भर में किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की क्या भूमिका है और किस तरीके से हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अब हम किसानों की आय सिर्फ दोगुनी या उन्हें लखपति बनाने के लिए नहीं, अब उन्हें करोड़पति बनाने के लिए अग्रसर हैं और इस क्षेत्र में हमारे जो देश के कृषि वैज्ञानिक हैं वो बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं। ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज देखने के लिए गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।